उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन में प्रभावित गरीबों को निःशुल्क सरकारी राशन मुहैया कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन गरीबों का कहना है कि निःशुल्क राशन नहीं मिल रहा है। वहीं राशन दुकानदारों का कहना है कि निःशुल्क राशन वितरण के लिए कोई अलग से राशन नहीं मिला है। पालन बहुत बड़ी तरीके से कराया गया। गोले के अंदर हम लोग माल बंटवा रहे हैं, ये गोले बने हुए हैं, ग्राहक से दूर दूर एक मीटर की दूरी पे सबको माल बंटवा रहे हैं। और 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूँ फ्री में, किन लोगों को फ्री में किसी को नहीं मिल रहा था। हमारे पास कोई आदेश ही नहीं है फ्री में बांटने का, नहीं हमारे पास नहीं है, कोई लिस्ट नहीं मिली हमें। लिस्ट बाद में मिलेगी, हो सकता है लिस्ट हमें फ्री में मिली। अच्छा, अभी हाँ, अभी नहीं है। जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हीं को माल मिल पा रहे हैं। एक्स्ट्रा हमारे पास अभी कोई ऐसी नहीं है, जिसके वो हमारे पास लिस्ट आएगी, वो लिस्ट के हिसाब से उन लोगों को फ्री में बांटा जाएगा। वो कोई फ्री में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक। कब से दुकान चला रहे हैं आप? मैं, मेरे पापा की दुकान थी 75 की। लॉकडाउन के और कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते क्या आदेश निर्देश आप लोगों को राशन? हमको डिस्टेंस दूरी बनाने के लिए एक मीटर के देखो, और ये आपका क्या नाम है, सैटेलाइजर, और हाथ से साबुन साफ करने के लिए, और दूरी बनाने के लिए, और 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल के हिसाब से डिस्पोज करने के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से। तो अभी कुछ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण करने की योजना लाई गई है, तो क्या उसके लिए आपको राशन मिला है? नहीं, अभी हमें राशन तो नहीं मिला, मगर हमको एक चिन्हित कर दिया गया, हमारे पास 1-2 कार्ड के लिए दे दिया गया, अगर वो आएंगे तो हम उसे निःशुल्क सामान दे दिया जाएगा। दे दिया, लेकिन अभी उसको राशन आपको नहीं मिला? अभी राशन तो हमें नहीं मिला उनको। लोग ऐसे थे जो आए थे आने थे? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, केवल मात्र मेरे कार्ड मात्र 1 या 2 कार्ड है मेरे पास, जो भी नगर निगम से वो आएंगे पंजीकृत हो आएंगे तो उन्हीं के हिसाब से हमें परफॉर्मर दे दिया गया, फॉर्मों के साथ भरवाया गया, फिर उनको निःशुल्क सामान दिया जाएगा। हम राशन लेने आए। तो आपका दिक्कत है, राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा, वहाँ से लेने लगा, राशन तो मिल रहा है, पर जो मोदी जी ने कही है कि 7.5 किलो 1 यूनिट पे मिलेगा, वो ही फ्री मिलेगा। अच्छा। तो वो मिलना नहीं है ना, पैसे से मिल रहा है, वो भी उतना ही मिल रहा है जो पहले मिलता है। वो मिलता था 3 किलो 1 यूनिट पे और 1 किलो चावल दे रहे थे। हाँ, यहाँ से कोई नहीं है, इतना ही मिल रहा है ना, फ्री मिलना ना कुछ मिला। मोदी वहाँ पर रोज समाचार सुनना बैठे रहे मैं, तो कुछ योजना निकल रही, कुछ योजना निकल रही है, वो सब कुछ योजना ले रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कोई कुछ कह रहा है इतना आटा बांट रहा है, इतना हमें तो एक इतने से चावल ना मिले। और हम क्या कहना, पैसा वाले, हमारे घर आंगन देखो, हमारे बच्चे ने देखो, हम भी तो रोज खाने वाले हैं, लिफाफे बनाते हैं, बताओ क्या करें। 4 यूनिट है, 4 जने मेंबर, 2 बच्चे और 2 मियां-बीवी। 4 किलो चावल मिलता है और 12 किलो गेहूँ मिलता है। अब ये मोदी जी ने जो घोषणा करी थी उसमें फ्री निःशुल्क देने का बात करी थी, 1 महीने का राशन, अब ये निःशुल्क मिल रहा है, ये तो पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे 1 मीटर की दूरी बनाई गई है, गोले बनाए गए हैं, गोलों में पब्लिक खड़ी हुई है, उनको टोकन से राशन दिया जा रहा है, और मुंह पे मास्क बांधकर सबको, और उससे सैनिटाइजर से हाँ, उससे मतलब है नहीं, हाथ धुलवाकर उनको सबको दिया जा रहा है। और यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है, और सब महिलाओं को, महिला हो या कोई हो, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल के हिसाब से वितरण किया जा रहा है। ऐसा है कि सुबह से बंटवा रहे थे और अभी अधिकारी गए खाना खाने के लिए, अभी वो आने वाले हैं, ठीक है। और अभी जे कौन आया था, क्या नाम था, कितने लोग आए थे? एक ही आए थे, क्वीन विक्टोरिया के लेक्चरर थे वो। मुंह पे कपड़ा है, सारी सावधानी बरती जा रही, जो भी सैनिटाइजर है सब रखा गया, वितरण में कोई दिक्कत नहीं है। वितरण के आदेश है, उसी के हिसाब से पालन हो रहा है, वितरण के हिसाब से निःशुल्क वाला, जिसके पास दोनों कार्ड होंगे, लेबर वाला कार्ड और पात्र गृहस्थी वाला कार्ड, उसको फ्री राशन दिया जाएगा। कितने लोग आए थे आपके पास अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया, हो सकता है कल आए।